हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग मोबाइल में या सैमसंग अकाउंट में किस तरीके से बैकअप फाइल बना सकते हैं। जब आप मोबाइल को FRP बाईपास करते हैं या FRP आपके मोबाइल को लग जाता है, तो आपके लिए बैकअप फाइलें जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो आप अपने अकाउंट में किस तरीके से बैकअप फाइलें बना सकते हैं, कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम्स को जो है आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपने जो है ना यहाँ पे एक वेबसाइट लिखनी है। मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, वहाँ से आपको सारी फाइलें जो है ना वो मिल जाएंगी इजीली। यहाँ पे आपने टाइप करना है maxroms.com। ये वाले लिखेंगे maxroms.com, आपका स्क्रीन में आ रहा होगा। ये आपने टाइप करना है गूगल क्रोम में, तो आपके पास ये वाली जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, टॉप पे ही लिखा हुआ है गूगल अकाउंट बाईपास, ये तीर का निशान बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास वो सारी फाइलें आ जाएंगी जिनकी आपको ज़रूरत है बाईपास करने के लिए। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखें नोटिफिकेशन बार और पैकेट डिसेबल प्रो, इसी से सैमसंग का मोबाइल जो है वो बाईपास होता है। तो ये अभी आपने जो है डाउनलोड करना है, ये आप पहले डाउनलोड कर लेते हैं फिर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो है फ्रेंड्स, इसको जो है ना वो हमने डाउनलोड कर दिया, ऊपर वाली नोटिफिकेशन बार को, नीचे है पैकेट डिसेबल प्रो, इसको भी जो है वो हम डाउनलोड कर देते हैं। और यहाँ डिटेल पे जो है वो क्लिक कर लेंगे। अगर डिटेल पे नहीं क्लिक करते तो यहाँ ऊपर 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर क्लिक करके इन फाइलों को जो है ना वो उसका फोल्डर पर ओपन कर लेंगे। ये देखें डाउनलोड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आ गए, तो ये देखें नोटिफिकेशन बार आ रहा है, इसको जो है ना वो पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड इसको जो है ना वो परमिशन को अलाउ करेंगे और फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद फ्रेंड्स इसको जो है ना वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास इंस्टॉल हो रही है फ़ाइल, ये इंस्टॉल हो गई। आपने ओपन नहीं करना, डन कर देना है। डन करने के बाद दोबारा से जो है ना वो आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये ऊपर वाली फ़ाइल पैकेट डिसेबल प्रो, इसको भी जो है ना वो हम इसी तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स इंस्टॉल हो रही है, तो ये भी इंस्टॉल हो रही है, इसको थोड़ा सा जो है ना इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें ये इंस्टॉल हो गई है, इसको जो है हम डन कर देते हैं। ये दो फाइलें हमारे पास आ गई हैं, ये देखें, और ये देखें ये नोटिफिकेशन बार पैकेट डिसेबल प्रो, ये हमारे पास आ गई हैं। तो अभी हमें ज़रूरत है OS 14 लॉन्चर की या OS 13 लॉन्चर। ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये भी आपको वहीं से मिलेगा, वहीं आपने दोबारा वो साइट को ओपन करना है। ये देखें इस साइट ओपन हो गई, यहाँ पर आपने सबसे ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद फ्रेंड्स आपने गैलेक्सी स्टोर इसको जो है ना वो आपने ओपन करना है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आप किसी अपडेट मांगते हैं तो आपने अपडेट कर लेना है गैलेक्सी स्टोर को। मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट किया हुआ है, तो यहाँ से गैलेक्सी स्टोर जो है ना वो हमने ओपन कर लेना है। और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आपने जो है ना वो अपनी सैमसंग की आईडी भी लगानी है, आईडी के बगैर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा। आपने सैमसंग की जो आपका सैमसंग अकाउंट होगा जिस पर आपने बैकअप बनाना है, वो आपने लॉगिन करके रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ ऊपर जो है ना वो सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो है ना यहाँ पे लिखना है OS 14 लॉन्चर, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें ये हमारे पास हो गया। ये आप 13 लॉन्चर भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, तो मैं 14 को जो इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे जो है यहाँ पे सैमसंग आईडी मांगेगा, अगर आपने सैमसंग आईडी जो है वो लॉगिन नहीं की हुई। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, तो ये आपसे जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको जो है ना हम बैक कर लेते हैं। ये सारी जो है ना हम होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना ऑलवेज पे क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए तीनों फाइलें हमारे पास आ गई हैं। तो अभी इसका जो है ना हमने बैकअप किस तरीके से बनाना है, पहले तो हमने फाइल इंस्टॉल कर ली है। तो हमने जो है ना सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर सैमसंग अकाउंट जहाँ पर आईडी लगी होगी इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो है ना यहाँ पर ये सैमसंग क्लाउड है, इस पर जो है ना वो आपने क्लिक करना है। अगर यहाँ पे ये अपडेट मांगते हो तो आपने इसको अपडेट कर लेना है। ये देखिए अपडेट आ गया, इसको जो है ना वो अपडेट कर लेते हैं। ये अपडेट होगा तो अब ये ओपन नहीं होगा, थोड़ा सा ये अपडेट में टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेगा, आपने इसको अपडेट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अपडेट हो गया हमारा, और अभी यहाँ पर दोबारा से सैमसंग क्लाउड पर जो है ना वो हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखेंगे बैकअप डेटा, इस पर जो है ना वो हमने क्लिक करना है, हमने बैकअप बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारे से पूछे किस चीज़ का बैकअप बनाना है, तो हमने खाली जो है ना वो उसका भी बनाना है, क्या नाम है, एप्स का बनाना है। तो बाकी जितने भी मैसेज हैं ये कॉन्टैक्ट वगैरह, इनको सबको हम ऑफ़ कर लेते हैं, सेटिंग वगैरह को।
तो यहाँ ऐप्स या होम स्क्रीन को रहने देते हैं। इनका जो है ना वो हम बैकअप बना लेते हैं। यहाँ पे बैकअप नाउ क्लिक है, बाकी सब हमने ऑफ़ कर दिया। यहाँ ऐप्स और इस पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करें, ये अभी हमारा जो बैकअप है वो बन रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बैकअप बनने में, एक मुश्किल से 20-25 सेकेंड लगेंगे। तो ये देखिए बैकअप जो है वो हमारा ईजिली बन गया है। अभी फ्रेंड्स जब आप अपना मोबाइल बाईपास करते तो आप ये वाली आईडी लगाएंगे और वहाँ रिस्टोर डेटा पे करेंगे तो आपके पास ये जो फाइलें हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी, क्योंकि आपने बैकअप बना के रखा हुआ है। तो सब मुझसे पूछे कि सर बैकअप किस तरीके से बनाए, आपने इस तरीके से बैकअप बनाने दूसरे सैमसंग फ़ोन में। वीडियो अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।